नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टार टेक्सास 86 में। दोस्तों, आज मैं स्पीडो में बताऊंगा कि अगर आपको गूगल ड्राइव के लिंक से ऑडियो वीडियो और फोटो कुछ भी डाउनलोड करना नहीं आता है तो दोस्तों आज मैं स्पीडो में गूगल ड्राइव के लिंक से कैसे डाउनलोड करते हैं वो बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको उस लिंक पर चले जाना है। तो मेरा वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पर मेरा लिंक गूगल ड्राइव का यहाँ पर लाइट रूम प्रीसेट है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्रोम में अपने खोल लेना होगा। तो मैं अपने क्रोम में खोल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों, ओके गो इट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपका लिंक ओपन होने लगेगा, तो थोड़ा देर वेट करिएगा दोस्तों। बस उसके बाद दोस्तों, ये सीधे आपको गूगल ड्राइव में ले जाएगा। उसके बाद सर दोस्तों, आपको यहाँ पर थ्री डैश का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ दोस्तों। थ्री डैश का ऑप्शन पर क्लिक करने पर दोस्तों, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है आपको। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अलाउ का परमिशन मांगे तो अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ऊपर मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको डाउनलोड पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों, आप कुछ भी डाउनलोड किए होंगे तो आपका डाउनलोड के फाइल में चला गया होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।